नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक स्कूल मॉडल बना रहे हैं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट। इसके लिए हमको एक बेस चाहिए। इसके लिए हम आधा इंची अपन इंच की को प्लाई का टुकड़ा ले लेंगे और ट्राई स्क्वायर की सहायता से उसको बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में काट लेंगे, अराउंड 8x4 के साइज़ में। और इस पर हम एक पोल के लिए दूसरी लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। सो पहले हम इसे तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने इस पर निशान लगा लिया। मैं इसे मशीन से कट कर रहा हूँ, आप चाहें तो आरी की सहायता से भी इसे कट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बेस रेडी हो गया है। सो मैं इसके किनारे वगैरह थोड़े प्लेन कर रहा हूँ। ये मैंने करीब 8-10 इंच की एक लकड़ी ली है जो 1x1 इंच स्क्वायर फॉर्म में है। इसकी सहायता से मैं सेंटर पे इसको 2 किलो की मदद से लगा दूँगा। ये पोल की तरह वर्क करेगा कुछ इस तरह से। यहाँ इसे मार्क कर लेते हैं और इसके 2 होल करेंगे ड्रिल मशीन से, और किलो की सहायता से इसको यहाँ बिल्कुल 90 डिग्री पर फिट कर देंगे। सो देखिए, ये पोल भी रेडी हो गया है जिस पर हमें लाइट फिट करनी है। बिकॉज हम इस पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं एक एंगल के ऊपर, तो हम इसका कॉर्नर थोड़ा कट करेंगे स्लांटिंग में। सो मैंने इसे स्लांट में कट कर दिया है। अब देखिए, डबल टेप की सहायता से मैं इस पर यहाँ सोलर पैनल लगा सकता हूँ। बिकॉज हमको ऐसी एक लाइट भी लगानी है। सो एक छोटी प्लाई लेंगे जिसमें डबल टेप की सहायता से चिपका लेंगे, और यहाँ पर एक टेढ़ा कट लगाएंगे जिससे कि हम इसे फेविकॉल या ग्लू गन की सहायता से यहाँ पर फिट कर देंगे ताकि ये लाइट अपनी जगह पे लग जाए। ये बिल्कुल अपोजिट लेंगे हम, जिस तरह हम सोलर पैनल लगाएंगे उसके अपोजिट हम इसको फिट करेंगे इस तरीके से। सो इधर हमारी लाइट हो जाएगी और जो हमारा ढाल होगा सोलर पैनल का उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसकी वायर्स को हमें पास करना है लाइट की। तो यहाँ हम एक होल करेंगे और इसकी वायर्स को हम इसके पीछे निकाल लेंगे। थोड़ा सा बैक साइड से अच्छा दिखाने के लिए मैं इस पर एक टेप लगा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये 6 वोल्ट का एक सोलर पैनल है। इसमें एक लंबी वायर लगी हुई है ऑलरेडी और एक डीसी पिन है। सो मैंने इस ढक्कन के अंदर एक फीमेल डीसी पिन लगाया है जहाँ पर इसकी आउटपुट आ जाएगी। मैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक कर रहा हूँ जितने आउटपुट यह बना रहा है। सो मुझे इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या, नेगेटिव पॉइंट क्या है वो चेक करना है। इसके पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर मैं एक 1N4007 डायोड लगाऊंगा। इसके लिए मैंने छोटी ग्रीन वायर यूज़ की है। इस ग्रीन वायर में जो एनोड वाला इस डायोड का पॉइंट है वो पॉजिटिव पॉइंट पे लगा रहा हूँ मैं। सोलर पैनल की यहाँ सप्लाई आ रही है। इसके अलावा हमको एक BC547 ट्रांजिस्टर चाहिए सर्किट बनाने के लिए, इसको ऑटोमेटिक करने के लिए। और मैंने एक इसमें यूज़ किया है 15K का रेजिस्टेंस। मैं अभी आपको और भी कंपोनेंट शो कर दूंगा और आगे जाकर इसका एक डिस्प्ले भी कर दूंगा आपको पूरा सर्किट, जिसे आप इसे इजीली बना सकते हैं डबल टेप की सहायता से। फिलहाल मैं इसे लगा लेता हूं। इसी तरह से डबल टेप से मैं इस लाइट को इस प्लाई पे लगाकर वो प्लाई उस स्लॉट में फिट कर दूंगा। सो हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब हम इसकी वायर्स के सोल्डर करेंगे सभी पॉइंट्स। सो लाइट भी अपनी जगह लग गई है, सोलर पैनल लग गया है। अब लाइट का जो पॉजिटिव पॉइंट है ये देखिए रेड वायर, ये हमको डायोड के कैथोड वाले पॉइंट पे लगाना है, तो हम इसे यहाँ सोल्डर कर देंगे। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस पॉइंट के बीच मैंने 15K का रेजिस्टेंस सोल्डर कर दिया है। सो इसमें डबल टेप की सहायता से यहाँ चिपका लूँगा। LED लाइट की जो ब्लैक वाली वायर हमारी आ रही है नेगेटिव वाली, देखिए ये वाली, सो इसको हम कलेक्टर पॉइंट पे ही जहाँ हमारा एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है वहाँ पर कनेक्ट करके सोल्डर कर देंगे। सो अब हम एक LDR लेंगे, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, और सेकेंडली एक ले लेंगे ये लिथियम बैटरी। दोनों में हम 2 वायर्स लगा लेंगे सोल्डर करके, थोड़ी लंबी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी हम बाद में कट कर लेंगे।
सो इसके पॉजिटिव नेगेटिव में हमने वायर्स कनेक्ट कर लिए और इस पर भी मैं दो वायर्स लगा रहा हूँ जहाँ मैंने सोल्डर किए हैं वहाँ पर मैं इसकी जॉइंट्स को ढकने के लिए ये हीट शिंक ट्यूब लगाकर इसको हीट कर दूंगा ताकि ये अच्छे से यहाँ जुड़ जाए और डबल टेप की सहायता से इसको मैं इस सोलर पैनल के ऊपर चिपका दूंगा ताकि जब लाइट आए इसके ऊपर तो ये एलईडी लाइट को ऑफ़ कर दे और जब अंधेरा हो तो ये एलईडी लाइट को ऑन कर दे। एलडीआर की दो वायर्स हैं येलो और ब्लू, इनको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ मैंने सोल्डर कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास जो सोलर पैनल का नेगेटिव सप्लाई आ रहा है जो ऊपर से चार्जिंग मिल रही है उसमें एक ब्लैक वायर की सहायता से मैं एक कनेक्शन वहाँ करूँगा और दूसरा कनेक्शन मैं यहाँ पर एमिटर पॉइंट पे कर दूँगा। लिथियम बैटरी में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शंस पे वायर्स लगाए हुए हैं, इसे डबल टेप से हम चिपका लेंगे और इसके जो कनेक्शंस करने हैं वो इस तरह से है कि जो नेगेटिव वायर है वो हमको ट्रांजिस्टर के जहाँ एमिटर पॉइंट पे हमने एलडीआर लगाया था वहीं पर ही करना है और जो पॉजिटिव वाली इसकी वायर है उसको हम जहाँ डायोड का दूसरा पॉइंट है वहीं पर कनेक्ट करेंगे। सो मैंने ये टेप लगाकर इस बैटरी को यहाँ लगा दिया और ये ब्लैक वाली वायर मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करके सोल्डर कर दिए। पॉजिटिव वाली वायर को कनेक्ट करने से पहले मैं इसमें एक स्विच लगा रहा हूँ ताकि जब मैं चाहूँ इसे ऑफ़ करके रख सकता हूँ, इसे बैटरी ख़त्म नहीं होगी। सो ये वायर स्विच के थ्रू दूंगा, इस स्विच को मैं यहाँ डबल टेप से चिपका देता हूँ और ये पॉजिटिव वाली वायर जहाँ पर हमने एलईडी की लाइट का पॉजिटिव वायर डायोड पॉइंट पर लगाया था सेम वहीं पर ही सोल्डर कर देंगे। सो देखिए इसे ऑन करने पर ये ठीक वर्क कर रहा है। सो मैं इसे सनलाइट में ले आया हूँ इस तरह से, ये देखिए इस समय ये लाइट ऑफ है एलईडी लाइट और एलडीआर की ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि चार्जिंग हो रही है तो ये बैटरी को चार्ज कर रहा है और एलईडी लाइट इस समय ऑफ है। जब हम इस एलडीआर को कवर करेंगे सो ये लाइट को ऑन कर देगा स्ट्रीट लाइट इस तरीके से, देखिए ये ऑन हो गई। हम अगर इस उंगली को हटाएंगे सो इसको लाइट मिलनी शुरू हो जाएगी एलडीआर को, तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी सेल की और इस तरह से ढकने पर लाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बन गया और ठीक से वर्क कर रहा है। आप इस तरह से कनेक्शन करके इजीली स्कूल के लिए या एज ए हॉबी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये इसका सर्किट डायग्राम है, सभी कनेक्शंस उसी तरह से इसमें मैंने शो कर दिए ताकि इजीली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसे कनेक्ट कर सकें। सभी कंपोनेंट्स इसमें मेंशन किए हुए हैं। सो यहाँ पर एलईडी लाइट है, ये सोलर पैनल और ये बैटरी। सो यहाँ पर ट्रांजिस्टर से इसके कनेक्शन इस तरह से, यहाँ एलडीआर मैंने शो किया है। यहाँ जो मैंने 15 के का रेजिस्टेंस शो किया है ये आप अपनी एलईडी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, हैव अ नाइस डे।